आज मैं लेकर आई हूँ काले चने की एक अनोखी रेसिपी जो आपने शायद कभी भी ट्राई नहीं करी होगी। ये रेसिपी इतनी ज़्यादा अच्छी है दोस्तों कि आप इसे अपने घर पे बार बार बनाना पसंद करोगे। तो चलिए दोस्तों रेसिपी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमने लिए हैं एक कटोरी चने जो कि हमने 7 से 8 घंटे तक भिगो कर रखा है। इसको अब हमने डाल दिया है एक मिक्सी जार में। दोस्तों आप चाहे तो इसे रात भर भी भिगोकर रख सकते हैं। साथ ही हमने थोड़ा सा जीरा भी इसमें ऐड कर दिया है, थोड़ी हल्दी इसमें ऐड करी है और एक हमने इसमें ऐड करी है हरी मिर्ची और साथ ही हमने इसमें ऐड करी है थोड़ी सी अदरक। अब दोस्तों इनको अच्छे से हम पीस लेंगे कुछ इस तरीके से। बिल्कुल बारीक ही हमें इसे पीसना है और इसके बाद हम इसको डाल देंगे एक प्लेट में और कुछ इस तरीके से हम इसमें फैला देंगे। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमने इसको अच्छे से फैला दिया। दूसरी तरफ हमने उसी मिक्सी जार में थोड़े से लहसुन, थोड़ी सी अदरक और प्याज हमने इसमें डाल दिए हैं और अब हम इनको अच्छे से पीस लेंगे। अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ जहां हमने तेल डाला है, जीरा डाल दिया है और एक तेज पत्ता भी डाला है और साथ में 2 लाल मिर्ची डाली है और 1 हरी मिर्ची डाल दी है और जो पेस्ट हमने अभी तैयार किया था वो भी हमने इसमें डाल दिया है। जी हाँ, जो प्याज को हमने अभी पीसा था बस वही हमने इसमें ऐड कर दिया है और प्याज को हमें अब अच्छे से पका लेना है। जब दोस्तों प्याज अच्छे से पक जाए तो 1 कटा हुआ टमाटर भी हमने इसमें ऐड कर दिया है और अब इनको अच्छे से भून लेंगे। इसी के साथ दोस्तों अब हम इसमें डालेंगे मसाले, जहां हमने लाल मिर्ची डाल दी है, थोड़ी सी हमने हल्दी डाली है और स्वाद अनुसार हमने इसमें नमक भी ऐड कर दिया है, थोड़ा धनिया पाउडर भी ऐड करा है और थोड़ी सी काली मिर्च भी हमने ऐड करी है और अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे। जब ये अच्छे से बॉयल होने लगे, अब मैंने रख दी है इसमें स्टील की कटोरी और उसमें पानी भी ऐड कर दिया है और अब जो हमने चने का पेस्ट तैयार किया था एक प्लेट में, बस वही दोस्तों हमने इसके ऊपर रख दिया है और ऊपर से ढक्कन भी लगा दिया है ताकि स्टीम अच्छे से आ जाए। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि 10 से 12 मिनट तक मैंने इसको रखा है, पानी भी अच्छे से गर्म हो गया है और अब यही पानी दोस्तों इस मसाले में मैं ऐड कर दूंगी और करछी की मदद से अच्छे से घुमा लूंगी। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि ये चने का जो पेस्ट था वो पूरी तरीके से पक चुका है और अब मैं इसके कुछ इस तरीके से पीसेस कट कर लूँगी। बस इसी तरीके से मैंने कुछ इसके पीस कट करे हैं और अब चाकू की मदद से मैं इसको अच्छे से निकाल लूँगी। सारे पीसेस को दोस्तों कुछ इसी तरीके से मैंने निकाल लिया है। दिखने में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और अब मैंने इसको डाल दिया है मसाले में। जी हाँ दोस्तों, जो अभी हमने तड़का लगाया था बस वह उसी में मैंने डाल दिया है और ऊपर से मैंने इसमें पानी भी ऐड कर दिया है और फिर से ढक्कन लगा दिया है। और अब आप देख सकते हैं कि फाइनली चने की ये जो रेसिपी है, ये सब्जी है, बनकर तैयार हो गई है। काले चने की ये रेसिपी दोस्तों, ये सब्जी है, बहुत ही यूनिक तरीके से बनकर रेडी हुई है। हमने इस पर धनिया भी डाल दिया है और खाने में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप एक बार अपने घर पे बनाओगे तो बार बार इसी रेसिपी को बनाओगे क्योंकि ये रेसिपी है ही इतनी ज़्यादा यूनिक, इतनी ज़्यादा टेस्टी। तो दोस्तों आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के इस वीडियो में इतना ही।